कि आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी समाधान यात्रा को लेकर कोढ़ा प्रखंड के दिघरी पंचायत में आ रहे हैं और अभी हम दिघरी पंचायत के उसी गांव में हैं जहां पर अभी से कुछ देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव आएंगे। और इसी क्रम में हम दिघरी गाँव के एक महदली टोला में आए हैं और यहाँ की हम आपको वो तमाम सच्चाइयाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद मुख्यमंत्री के आंखों में किस तरह से धूल झोंका जा रहा है, उसका हम पूरा आपको एक उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिघरी गांव में है और यहीं पे अभी से कुछ देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं और यहाँ पर अभी हम एक महादली टोला में है और यहाँ पर वो तमाम दृश्य हम आपको दिखाने जाएंगे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से छुपाया गया है। छुपाया कुछ ऐसा गया है कि नीतीश कुमार जो है समाधान यात्रा पर निकले हैं और उस समस्या का समाधान यात्रा पर निकले हैं जिससे कि बिहार का विकास हो सके, बिहार में बदलाव आए। लेकिन वो बदलाव हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये एक महादली टोला है और इसी गांव में जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आएंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी आएंगे। तो अब मैं आपको यहां पर दो चीज़ दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये मकान आप देख रहे हैं और आप देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसका निर्माण मुश्किल से 10 से 15 दिन के पहले हुआ है। इससे पहले इन लोगों के पास इस तरह का मकान नहीं था, लेकिन अब अगर अभी आप देख सकते हैं तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री के आंखों में धूल झोंकने के लिए, योजनाओं को दिखाने के लिए, धरातल पर योजनाओं का लाभ दिखाने के लिए महादलित टोलों में इस तरह से पशु शेड बनाया गया है। वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इन लोगों के पास रहने के लिए एक पक्का मकान भी नहीं है, लेकिन इस तरह से जो है धूल झोंक कर महादलित लोगों को इस तरह से पशु शेड बनाया गया है। वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि नया नया मकान बनाकर दिया गया है, पेंट भी अभी मेरी उंगली में आ रही है। तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है धूल झोंका जा रहा है, अगर इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री अगर जिले के तमाम उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल स्थिति सुधार लिया जाएगा। सबसे पहले आप ये मकान देख सकते हैं कि ये एक फूस का घर है और आज से 10-15 दिन मतलब पहले ये जब घोषणा हुआ था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कटिहार आएंगे, वो भी कोढ़ा प्रखंड के दिघरी पंचायत आएंगे, तो अभी हम वही पंचायत में और यहीं पे भी मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। ये मकान आप देख रहे हैं, ये फूस का घर देख रहे हैं और मैं जस्ट आपको उसके नज़दीक दिखा देना चाहूँगा कि एक पक्का मकान है जिसका निर्माण महज 10 से 15 दिन पहले हुआ है। अब बड़ा सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए उनका घर नहीं है लेकिन उनके पशुओं को रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आँखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह से पशु शेड बना दिया गया है, इस तरह से बकरी पालन करने के लिए इस तरह से पक्का मकान बना दिया गया है। अगर आप देख सकते हैं तो महज कुछ ही दिन हुआ है इसको बनाने के लिए। तो ये तमाम जो ये धूल झोंकने का कार्य जो है यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है। ये तमाम गरीब लोग हैं और इन लोगों का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि इनका घर उसी सड़क के बगल में है जहां से अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गुजरेंगे। आपको हम ये मकान भी दिखा देना चाहेंगे कि ये भी वो नया मकान है, ये नया शेड है, ये तमाम चीज़ें नई चीज़ की बनाई गई है। लेकिन इसी गरीब घर में मैं एक और उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इस घर को अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। उनको उनके पशुओं को पालने के लिए इस तरह से घरों का निर्माण किया गया है, लेकिन जिस घर पर खुश वो लोग रहेंगे इस घर को देख कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि गरीबों के साथ किस तरह से बिहार में लगातार उनका मजाक बनाया जा रहा है। ये वो घर है, इस गृहस्वामी का घर है जिन्होंने बताया कि उनको जो है महज मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इस तरह का मकान बनाया दिया गया था। और ये वो घर है, देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है और इसी घर में उसके लिए एक रसोई है, एक चारपाई लगा हुआ है, बगल में जलावन रखा हुआ है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से है, कभी भी ये घर गिर सकता है। जैसा कि गिरीश स्वामी ने हमें बताया कि उन्होंने रिपेयरिंग के लिए इनके लिए आवेदन किया था लेकिन रिपेयरिंग का पैसा नहीं मिला, लेकिन उनके जानवर को रखने के लिए ये घर जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री देख सके कि उनका पूरा फायदा मिला है। ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये एक बकरी शेड है, यहाँ पर बकरी रखने के लिए बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई किए थे या फिर अपने से दिया गया है? अपने से हाँ, चली गई। अच्छा, मतलब कि आप लोग को पूरा एकदम यानी फटाफट ने बोला है? हां, इतना दिन तक लिखी दे रहे कि एकटा घर ना छटा दुवार ना से देवेन कर रहे आ या तो ले अपने से बनावना चली गेले। देखिए, यहां पर अगर खास तौर पर अगर कही जाए तो जबरदस्ती का विकास आप इसे कह सकते हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस गाँव में आने वाले हैं। जैसा कि इस घर के मालिक ने हमें बताया कि इससे पहले ये लोग गाय बैल बकरी जो भी होते थे इस तरह से
फूस के घरों में बांधा करते थे। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सरकार यहाँ के प्रशासन वो विकास दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार को, जो कि जिसका यहाँ पर पूरा का पूरा पोल खोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो शौचालय का निर्माण किया गया है और दोनों ही शौचालय को उस तरह से हड़बड़ी फटाफट में बनाया गया है कि इन पे इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा गया है कि किस तरह से इन पे सीट रखा जाए, किस तरह से इस पे छत दिया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि उस यानी युद्ध स्तर पर पंचायत का विकास किया गया है, और जैसा कि इन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर पंचायत सिर्फ उसी जगह पर किया गया है, विकास सिर्फ उसी जगह पर किया गया है जिस रास्ते से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी गुजरे, और जिस रास्ते से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं गुजरेंगे उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। बस तमाम चीजें आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि शौचालय बनाकर इन लोगों को दिया गया है। तो ये पूरे हड़बड़ी में इस तरह का विकास किया गया है। तो अगर ये सौभाग्य की बात होगी कि अगर इसी तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कटिहार के तमाम प्रखंडों का अगर एक एक दिन का दौरा करेंगे तो निश्चित ही पूरा बिहार का दशा बदल जाएगा। तो वो हम कुछ आपको भीतर की विकास दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आँखों में धूल झोंक कर इन गरीबों के साथ में मजाक किया जाता है, और महज कुछ ही दिनों में इन लोगों को जो है पशुपालन करने के लिए वो तमाम योजनाओं का लाभ जो है महज से कुछ दूरी में दिया गया है। वो चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये शौचालय है जो कि आगे से बिल्कुल चमक रहा है, अगर पीछे से आप इनको देखिएगा तो पीछे इस तरह से छोड़ दिया गया है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शौचालय के पीछे नहीं बल्कि आगे से गुजरने वाले हैं। गिरीश स्वामी ने बताया कि किस तरह से विकास को यहाँ पर ढका गया है, वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेकार चीज़ों का निर्माण करके इन गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया गया है। और बिहार में लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि बिहार में जो भी दलित है, शोषित है, उनका विकास हो, लेकिन उनका विकास का जो पूरा मजाक है इस तरह से बिहार सरकार के अधिकारी उड़ा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। अब आइए हम इस घर के गृह स्वामी से आपको बताना चाहेंगे कि कब इनका इस जगह का निर्माण हुआ और किस तरह से ज़बरदस्ती इन लोगों को पशु सेट और शौचालय दिया गया। क्या नाम है आपका दादी? हमको नाम गायत्री देवी है। जोर से बोलिएगा। आज से पहले आप लोग को ये गोरू गाय रखने के लिए दिया था घर? नहीं दिया था। तो ये जबरदस्ती दिया ना आप लोग को? जबरदस्ती नहीं दिया, आया सर लिख कर को हम लोग दे दिए कि हम लोग को नहीं बना है, तो वो समय में आया है तो हम लोग कागज दिए तो बन गया। अच्छा, एक बात सही से बताइएगा, जब आपको जोड़ी था तो तभी नहीं मिला था? नहीं, तहिया तो हम दिए तो कागज फॉरम हमको किसको देंगे, वार्ड नंबर के देंगे। पास था तभी? नहीं, बाद में फिर पास हो गया। वही सर आया है तो पास हो गया जी। इससे पहले आपके पास शौचालय था? कुछ नहीं था। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये जो शौचालय और पशु सेट बनाया गया है, हाँ। तो जिधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आएंगे उधर ही दिया गया है? हाँ, उधर। जिधर नहीं जाएंगे उधर नहीं दिया गया है? उधर से नहीं है, नहीं दिया गया ना। हम लोग के तो अभी दिया है तो हम लोग वही जानेंगे ना, आगे की क्या बात है ना है तो वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन अभी हमको आया है मुख्यमंत्री जी तो वही वही हिसाब से हम लोग को दे दिया है। देखिए सामने में है। आपका घर जो है टूटा फूटा है, उसका मरम्मती के लिए पैसा अप्लाई किए थे? नहीं दिया होगा? नहीं दिया। लेकिन आपका रहने के लिए घर नहीं है लेकिन जानवर रहने के लिए घर है? हाँ। तो देखिए ये तमाम चीज़ें जो है हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन लोगों को जो है ज़बरदस्ती एक तरह से कही जाए तो हाथों में विकास दिया गया है, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से देख पाए। इससे पहले आपके पास ये गाय रखने के लिए जगह था? यही अपना गुहाल था। गुहाल था ना? हाँ। तो ये जो पशु सेट लिए हैं आप लेने के लिए गए थे कि खुद दे के गया है अधिकारी सब? देखा, देने के लिए आए थे। देने के लिए आए थे? हाँ। जब आप लेने के लिए गए थे तो तब दिया था आपको? नहीं, नहीं, नहीं दिया था ना। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार का आंख में धूल झोंक रहा है ना पदाधिकारी सब? हाँ। नीतीश कुमार जी से मिले हैं कभी? कभी नहीं। ओ अच्छा, शौचालय कब बना है आपका? शौचालय यहाँ 10 रोज पहले बना है। 10 रोज पहले? हाँ। यानी जब नेता सब यहाँ का पदाधिकारी सब सुना कि नीतीश कुमार आने वाले हैं, आने वाले खास करके आपका गांव में, हाँ। इसलिए आपको शौचालय बना दिया? बना दिया जी। क्या नाम है आपका? सुधीर ऋषि। सुधीर ऋषि, वो टूटा वाला घर आप ही का है ना? हाँ। तो उसमें मरम्मती के लिए आप पैसा के लिए बोले होंगे? बोले हैं। मिला है? नहीं, नहीं मिला है ना? नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है ना कि यहाँ का जो भी पदाधिकारी सब है धूल झोंक रहा है? तो देखिए ये तमाम चीजें अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो वो तमाम कमियां, वो तमाम असफलताएं हम यहाँ की आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण जो हमने आपको दिखाया यही काफ़ी है कि किस तरह से बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। और इस प्रकार से आप तमाम मेरे पीछे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लगभग काफ़ी संख्या में यहाँ के दलित घरों में जो है
शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। हालांकि इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, घास फूस के घर में रहते हैं, इनका घर से छत टपकता है, कभी भी इनका घर इसके ऊपर गिर सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देके कटिहार के जिला प्रशासन ने इनके गाय बकरी को रहने के लिए जगह दिया है, इनको शौचालय दिया है, वो भी महज कुछ दिनों में दिया गया है, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी देख पाए कि आपका कटिहार में पूरी तरह से विकास है। और इसीलिए बड़ा सवाल उठता था कि बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोढ़ा में ही निरीक्षण के लिए क्यों भेजा जाता है। तो ये तमाम हम लापरवाही का कुछ शेष हम आपको दर्पण लाइव टीवी समाचार के जरिए दिखाए। अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, दीजिए इजाजत। दर्पण लाइव टीवी समाचार के लिए मैं सूरज कुमार रॉय, दर्पण लाइव टीवी समाचार कटिहार।